हमारी सेना ने 24 घंटे के अंदर वहां दो आतंकवादियों को ढूंढ के उन्हें मार गिराया। पर आज पूरा देश इस बात से चिंतित है कि कश्मीर में आज भी कश्मीरी पंडित सुरक्षित क्यों नहीं है। बहुत सारे कश्मीरी पंडित युवाओं को वहां एक स्पेशल पैकेज के तहत नौकरियों के लिए भेजा गया था। ये लोग वहां शांति के साथ रहना चाहते थे, वो उनका घर है, वो वहीं अपना घर बसाना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। इस हादसे के बाद वहां रहने वाले सभी कश्मीरी पंडित भयभीत हैं, डरे हुए हैं। इस हादसे पर नाराजगी जताने के लिए जब वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें रोका गया, उन पर लाठियां बरसाई गई, टीयर गैस छोड़े गए और उन्हें उनकी ही कॉलोनी में ताला बंद कर दिया गया। क्यों? ये सही नहीं है। जिन अफसरों ने भी ये किया उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। ये राजनीति का वक्त नहीं है, ये राजनीति का नहीं, देश का मुद्दा है। कश्मीरी पंडित सुरक्षा चाहते हैं, उनके परिवार, उनके लोग वहां सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। और अगर कश्मीर में रह रहे पंडितों को वहां सुरक्षा नहीं मिलेगी तो फिर देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे कश्मीरी पंडित वहां वापस आकर कैसे रहेंगे? किस भरोसे पे वो वापस अपने घर कश्मीर में आके रहने की सोचेंगे? मेरी सरकार से गुजारिश है कि कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने के लिए जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़े वो करें, इसके लिए जितना भी खर्च हो वो खर्च किया जाए। प्रदर्शन करने वाले कश्मीरी पंडितों पे लाठी नहीं चलाई जाए, हमें उन्हें गले लगाना है, वो हमारे अपने हैं, उन पे टीयर गैस के गोले नहीं छोड़ने। और आतंकी और देश के दुश्मन ये समझ लें कि अगर उन्होंने कश्मीरी पंडितों की तरफ गलत इरादे से देखा भी तो उन्हें बख्शेगा नहीं भारत। आज देश के विभिन्न राज्यों में कश्मीरी पंडित बसे हुए हैं, दिल्ली में भी हैं। हम सबको मिलके उनकी सुरक्षा और उनके पुनर्वास का एक साथ मिलके काम करना है। पूरा देश अपने कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ खड़ा है। जय हिंद।